मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैन मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज से भेंट कर उनके पैर पखारे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जैन मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद लेने आया हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य का दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैन मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज से भेंट कर उनके पैर पखारे और आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य का दिन है, हम शांति सौहार्दता के संदेश के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, किसी को भी सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा, हमारे विचार और हमारी भावनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि हम और आप अलग नहीं हैं। मैं तो आशीर्वाद लेने आया हूं, सौभाग्यशाली हूं ये परम पूज्य गुरुदेव के आज चरणों को पखारने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे तो सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है, मेरे सत्संग विवेक ना हो। हम सब धन्य हैं जो ऐसे संत इस धरा पर है। मैं कई बार कहता हूं कि जैन का मतलब क्या है, जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीत ले वो महावीर। जो महावीर वो जितेंद्रिय, और जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही है। मैं कहता हूं कि अपने आप को सबको जैन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भौतिकता की अग्नि पर विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराता है तो हमारा यही दर्शन कराता है, जियो और जीने दो। इसी भाव से सदैव मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं और परम पूज्य कुंडलपुर के छोटे बाबा जिनको हम कहते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी में रोज प्रसंग। बस आज गुरुदेव में कह रहा हूं, जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो बड़े बाबा की प्रतिमा कुंडलपुर में स्थापित होनी थी, छोटे बाबा वहां उपस्थित थे और मैं बने बना था। हाई कोर्ट का हवाला देकर प्रशासन ने तय किया कि प्रतिमा स्थापित नहीं होगी। पुलिस फोर्स तैयार था करने की कोशिश की तो रोकेंगे। मैंने सीधा सीएस और डीजीपी से कहा कि प्रतिमा को बड़े बाबा की स्थापित हो। मैंने कहा कि सर हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे तो सरकार चली जाएगी। एडवोकेट जनरल से मेरी बात कराई, एडवोकेट जनरल का सर मत होने दीजिए तो सरकार चली जाएगी, जाए तो चली जाए यार, बड़े बाबा तो स्थापित। और गुरुदेव को भी जानकारी होगी, गुरुदेव भी नहीं थे तो मैं तो जो आदर और सम्मान करता हूं, हमने उस समय सरकार को भी परवानी की। गिरनार की घटना के बारे में भी हमारा स्पष्ट और दृढ़ मत है। मैं पीएम साहब तक भी इस बात को ढंग से पहुंचाऊंगा और हमारा जो विचार है, दुनिया को जो संदेश है उसने शांति सुहादर का है। सुहादर को किसी भी कीमत पर किसी को भी बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते दबो रही काम से नहीं कर रहा, लेकिन इस अधिकार से कर रहा हूं क्योंकि ऐसी व्यवस्था खड़ी करना भी हमारा कर्तव्य है।
और इसलिए आप आश्वस्त रहें, हमारी भावनाएं और हमारे विचार आपके साथ है, क्योंकि हम आप हैं और आप हमें, हम अलग है ही नहीं, हम एक हैं। और इसलिए इससे उदंडता की है, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जुड़े की 10 सभाएं हैं, आप जानते हैं चुनाव के समय की व्यस्तताएं हैं, और एक समय के बाद जहरी का पटरी उड़ता तो फिर बायोग तो करना असंभव सा हो जाता है। कल सपना भी मुझे चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज़ पर।